iudaipur.com के साथ आज हैं भुवनेश ओझा पुकार संस्था से भुवनेश रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और आज शीतला माता पार्क सेक्टर 5 में इन्होंने जो है 5 पेड़ लगाए हैं। और भुवनेश जी क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों का मोटो है ग्रीन एंड क्लीन सिटी। उसी के इसी से हम लोग इस आज सेक्टर 5 के शीतला माता पार्क में आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेक्टर 14 के टोटल 4 पार्क कंप्लीट करके और एक टीम हमारी सेक्टर 14 में काम कर रही है और सेकंड टीम हम लोगों की। क्या नाम है उन पार्क के जो आपने 4 पार्क में पेड़ लगाए हैं? जी, हमारा सबसे पहला जो पार्क था वो पार्क था हम लोगों का एब्लो गार्डन, और उसके बाद जो हमारा पार्क एब्लो, उसके बाद जो एब्लो और उसी के 2-3 और गार्डन है, हम लोगों ने वो पार्क कंप्लीट किया। क्या मोटो रहता है आपका जो इन पेड़ लगाने के पीछे? हम लोगों का सबसे पहला यही होता है कि हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा। हम लोगों का जो अपनी टेम्परेचर बढ़ने का कारण है और ये सब होता है तो वो ट्री लगाने से काफ़ी डिक्रीज होता है। तो इसी का है कि हम लोग अपनी आसपास की सिटी को आराम से अपन लोग कर सकते हैं और एक यूथ अदर यूथ को अपन मैसेज दे सकते हैं कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए। कौन कौन इसमें जो है हेल्पिंग हैंड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर, इसमें कॉरपोरेट से भी काफ़ी हम लोगों के साथ बिजनेस पर्सन वगैरह सेक्टर 14 से काफ़ी लोग हैं और हर संडे को हम लोग जैसा करते तो काफ़ी लोग जैसे आज यहाँ हेल्प के लिए आए हैं, जैसे हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। बहुत बढ़िया। अभी तक कितने पौधे जो हैं आप लगा चुके हैं? हाँ जी सर, हम लोगों का अभी 300 प्लस प्लांट्स हमने खुद में लगाए हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के दिन हम लोगों का प्लांट अडोप्ट करवाए थे हम लोगों ने फतेह सागर पर। अच्छा, तो वहाँ पे हम लोगों ने 80 प्लांट अडोप्ट करवाए थे लोगों से। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें पेड़ पौधे जो आप लगा रहे हैं वो विशेषकर किसको फोकस रख रहे हैं? कोई आयुर्वेदिक पौधे हैं या आम पौधे जो हैं? हाँ जी, इसके लिए हम लोगों का सबसे यही है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो सिटी एरिया से गायब होती दिख रही है हम लोगों को, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है गुलमोहर, और जो आयुर्वेदिक प्लांट्स में बहेड़ा, अर्जुन और इस टाइप के हम लोग प्लांट। हाय उदयपुर .com के माध्यम से आप उदयपुर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उदयपुर हम लोगों ने एक पूरी टीम वर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अच्छा प्लांट के लिए सीज़न होता है रेनी सीज़न और वो अपने आने वाला है मानसून। तो हम लोगों की ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि एटलीस्ट आप अपने घर के बाहर एक प्लांट लगाएं, वो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। जी भुवनेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके मैं चाहता हूँ आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है उदयपुर को दें, जिससे कि वो अपने एरिया में आपको बुलाकर जो है प्लांटेशन वापस करवा सकें। जी, आप लोग फेसबुक के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। PUKARR पुकार आप सर्च करेंगे तो हम लोगों का ग्रुप मिल जाएगा फेसबुक पे और आपको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम अपकमिंग कब करने वाले हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ हमने दे रखा है। जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829971478। बहुत बहुत धन्यवाद हाय उदयपुर को समय देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ हैं अनिल जी। अनिल जी, क्या जो है शुभकामनाएं पुकार संस्था को आप देना चाहिए? सर, पुकार संस्था जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है और मैं ये चाहूँगा कि आगे से आगे दिन दोना रात दोना बढ़ते रहे। पेड़ लगाना अच्छी बात है जी, और इससे पर्यावरण में शुद्धि होती है जी। बहुत बढ़िया। भुवनेश जी, आपसे अगर लोग जुड़ना चाहें और आपकी मदद करना चाहें तो कैसे वो मदद आपकी कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहला हम लोगों का सबसे पहला मोटो ये है कि हम अपनी जी, तो हम चाहे आप लोग यहाँ आए या हमें ज्वाइन करें वो कोई ज़रूरी नहीं है जी, बट आप अपने आसपास से स्टार्ट करें ये चीज़ और फिर हम लोग आपको ये मोटिवेट करेंगे और हम लोग इसके लिए वैसे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपको पूछना चाहूँगा इसकी
स्टार्टिंग जो आपने फर्स्ट डे जो किया था वो कहाँ से आपको जो है इसका मिला कि भाई ये करना चाहिए, मिशन के रूप में आप ये कर रहे हैं, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? जी सर, एक्चुअली स्टार्टिंग काफ़ी पहले हो गई थी हम लोगों की, कंटिन्यू 7 महीने से हर संडे हम लोग किसी ना किसी पार्क में हम लोग इस एरिया के मिलते हैं। हम लोगों का सबसे पहला प्लांट हमने लगाया था 10 मार्च 2013 को, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कर रहे थे और 10 नवंबर 2013 को हम लोगों ने हर संडे से कंटिन्यू हम कर रहे हैं ये काम। तो जो कंट्रीब्यूशन है ये आप खुद करते हैं या मतलब किसी से जो है आपको इसमें हेल्प मिलती है? हाँ जी, हम लोगों के साथ 30 से 40 मेंबर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं जी। आज भी ये सेकंड पार्ट है जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, एक टीम सिर्फ 14 एरिया में कर रही है। तो हम लोगों का है कि 5200 रुपये पर मेंबर हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसी से हम लोग ये सब मैनेज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।